अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा फैलता चला गया तो और मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का जज्बा यही रहा तो हम जो देख चुके हैं तो खुदाए यहूदा का सूरज गुरूब हो जाएगा। लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं है, खालिद ने कहा, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकती। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज्यादा मोहलिक साबित होंगे, एक और सरदार ने कहा। वो अपनी युहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सालारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। युहावा का किरदार खालिद भुला नहीं पा रहा था और चार बरस पुरानी बातें उसे सुनाई दे रही थी। वो मदीने की तरफ चला जा रहा था और ओहद की पहाड़ी ऊपर उठती चली जा रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये कोई एक मील लंबा और डेढ़ दो फरलांग चौड़ा नशेब था। इसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे, ये रेतली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर उधर देखा, उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो चार पांच गजाल थे जो उससे नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी, फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते, खालिद उन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया, उसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारने लगा। लड़ने वाले गजाल जहाँ थे वहीं साकत जामत हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार दो ग्रहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी उस वक्त अहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को यह सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का नफाक दुश्मन को तकवीत दिया करता है, खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा था। बहुत सोचा है, सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, अब वो समझने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने छह मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से दो को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्लो सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने कहा था। मैंने उहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी, हम अगले साल तुम्हें बदर के मकाम पर ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। उधर से उमर की आवाज आई थी, उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की ही थी, अल्फाज मोहम्मद के थे, अबू सुफियान ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी थे, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते थे। मैं उनको पैगाम भेजता हूँ कि फलां दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजर थे, उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी। ये एक चिंगारी की मुंतजर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बात करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया। खालिद बड़ हंकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। नाऊज़ु बिल्लाह। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था।
लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने उस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार सा कर दिया। वजह यह हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौर्रख इब्ने साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमात हासिल की और उन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेस में मदीने भेजा। उन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि वो मदीने में ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बद्र के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। उस मौर्रख के मुताबिक मदीना में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इत्तला भी के बाद मुसलमानों पर खौफ व हिरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया, क्या अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी? क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे कसम है खुदाए जुलजलाल की, जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बद्र के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सुराग न मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात जायल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े से रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी। इनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीने भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज कहे तो मुसलमान बद्र को कूच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुँच गयी थी। हमारा ख्याल है की तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए इस वाकये की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो उस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का बिफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने उसे कहा, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्मदूली की रिवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही ना दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने खुबैब और जैद को अहले कुरैश की बर्छियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बद्र कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुँची कि मुसलमान मदीना से बद्र की तरफ कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की तादाद जो बद्र कूच के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घुड़सवार इसके अलावा थे। कयादत अबू सुफियान की थी और उसके मातहत खालिद, अकरमा और सफवान नायब सालार थे। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और उसकी चंद एक कनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी बमुकाम यकुम जिलकाद 4 हिजरी के रोज बद्र के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी असफान के मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलसुब उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं, अब उनके साथ हमारी फैसला कुन जंग होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही उनका कोई नाम लेने वाला इस दुनिया में रहेगा, लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो,
मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूं हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने दो तरह के नारे बुलंद किए। एक उनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किए हुए थे, दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की ताईद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, अक्रमा और सफवान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कुछ असर ना हुआ। उन तीनों नायब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अक्रमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें जाया हो जाती तो उसे ये दुख ना होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो ये महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल उसका अज़्म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़्म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के तीनों कबीले बनू नुदैर, बनू कुरैदा और बनू कैनका याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमींदोज कार्रवाइयां शुरू की, मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस ना हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवायल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। उनका सरदार हब्बी बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनू नुदैर का सरदार भी था। यहूदियों के पास जरो जवाहरात के खजाने थे। वो चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। उनके साथ हसीनो जमील लड़कियों का ताइफा भी था। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफे का रक्स भी दिखाया। इसके बाद हब्बी बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अक्रमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को खत्म न किया और उनके बढ़ते हुए कदम न रोके तो वो यमामा तक पहुँच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शहरत की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें, हय्ये बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी उन्हें शिकस्त ना दे सके। अबू सुफियान ने कहा, उनसे तीन गुना तादाद में उनसे लड़े तो भी उन्हें शिकस्त ना दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हमने ये इंतजाम पहले ही कर दिया है, हय्ये बिन अख्तब ने कहा। कबीला गतफान और बनू असद आपके साथ होंगे, चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद न आ रहा था। तीन चार साल पहले के वाकयात उसे एक रोज पहले की तरह याद थे। उसे अबू सुफियान का घबराया घबराया चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था, लेकिन उन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें उसे मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद, अक्रमा और सफवान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम करें कि आप बुजदिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया है। अबू सुफियान बुजदिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुजदिल बना दिया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंजिया और गुस्से में भरी हुई आवाजें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहती थी। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और उनका जज्बा इंतकाम उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हालत तक पहुंच गया था कि उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब उसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादले नाखास्ता सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान उसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहाँ अक्रमा और सफवान भी बैठे हुए थे। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, मैंने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने गलत सुना हो।
उसने अकरमा और सफवान की तरफ देखा, उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीने पर हमले के लिए तैयार कर दो। यहूदियों ने जिन कबाइल को कुरैश का साथ देने के लिए तैयार किया था, उन सब की तरफ पैगाम भेज दिए गए। ये फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गतफान की थी, इसकी तादाद 3000 थी। 700 आदमी बनू सुलैम ने भेजे। बनू असद ने भी खासी फौज भेजी थी, जिसका सालार तुलैहा बिन खुवैलद था। इसकी तादाद तारीख में नहीं मिलती। परेश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा और 300 घुड़सवार और 1500 शुतर सवार थे। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौजकशी के लिए जा रही थी, कुल 10000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुत्तहिदा फौज को जमीयतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं आए थे। उन्होंने इत्तला दी थी कि जब लश्कर मदीना से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्ती से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उनकी कमान में था। उसने एक टीकरी पर घोड़ा छोड़कर वहाँ से उस तमाम लश्कर को देखा था। उसके लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज, जो एक ही आवाज लगती थी, खालिद के खून को गर्मा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था, मुसलमान पिस के रह जाएंगे, इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बमुताबिक यकम शवाल मदीना के करीब पहुंच गया। परेश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां अहद की लड़ाई के लिए खैमाजन हुए थे। वहां दो नदियां आकर मिलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल अहद की पहाड़ी के मशरक की तरफ खैमाजन हुए। परेश ने ये मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को परेश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, दो जासूस ताजिरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीने वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए, लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। उसने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमला आवर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हिरास फैल गया था। उस यहूदी जासूस ने बताया कि सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी हलके के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा ना थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीने पर हमले के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10000 है, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार और शुतर सवार भी हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन में किसी लड़ाई ने इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा था। तादाद को देखा जाता और फन्ने हरबो जरब के पैमाने से दोनों अतराफ को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे, या वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3000 मुसलमान 10000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10000 लश्कर निहायत आसानी से मदीने की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन ये हक और बातिल की टक्कर थी। ये अल्लाह के आगे सजदे करने वालों और बुत परस्तों का तसादम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपने उस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी जाते बारी ताला ने गारे हिरा में अरब के सुपूत को दिया था और उसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्क होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी। लेकिन ए अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ इसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफो हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता, वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सकेगी। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं, अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफजदा इंसान को मौजज़े नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौजज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इससे बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीना को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी।